नमस्कार दोस्तों, किसी ने एकार्ट टोले से सवाल किया, सो ऑब्जर्विंग आवर इमोशंस इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स। क्या जैसे हमारे थॉट्स को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या इसी तरह से इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है? यस, एकार्ट कहते हैं बिल्कुल, मेक इट अ हैबिट टू आस्क योर सेल्फ। इसको एक हैबिट में लाइए, अपने आप से पूछिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी एट दिस मोमेंट। इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है? दैट क्वेश्चन विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। इस सवाल से आप एक सही दिशा की तरफ जाएंगे। बट डोंट एनालाइज, जस्ट वॉच। लेकिन जज मत करिए, एनालाइज मत करिए क्या सही क्या गलत, खाली इसको ऑब्जर्व करिए एक प्रेजेंस की तरह। फोकस योर अटेंशन विद इन, अपनी ध्यान को, अपने अटेंशन को अपने अंदर की तरफ ले जाइए। फील द एनर्जी ऑफ द इमोशन, वो जो स्ट्रांग इमोशन आपके अंदर आता है उसकी एनर्जी को महसूस करिए। इफ देयर इज़ नो इमोशन प्रेजेंट, टेक योर अटेंशन मोर डीपली इन टू द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। अगर इस समय आपके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है तो आप अपने अटेंशन को अपने इनर एनर्जी फील्ड की तरफ लेके जाइए। इट इज़ द डोर वे इन टू बींग, यही आपको आपके बींग के तरफ रास्ता जो है दरवाजे की तरफ ले जाएगा। जो आपके बींग के अंदर जाता है ये दरवाज़ा वही है। एन इमोशनल इमोशन यूजुअली रिप्रेजेंट्स एन एम्पलीफाइड एंड एनर्जाइज थॉट पैटर्न, एंड बिकॉज ऑफ इट्स ऑफन ओवर पावरिंग एनर्जेटिक चार्ज, इट इज़ नॉट ईजी इनिशियली टू स्टे प्रेजेंट एनफ टू बी एबल टू वॉच इट। एकार्ट का कहना है इमोशन क्या है, यूजुअली एक इमोशन जो है वो क्या हुआ है, आपने किसी थॉट को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी है या उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर कर ली है और वो बहुत बड़ा हो गया है, और क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत एनर्जेटिक होता है इमोशन, तो इनिशियली आप किसी भी इमोशन को बहुत अच्छे से देख नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट ईजी इनिशियली टू स्टे प्रेजेंट एनफ टू बी एबल टू वॉच इट। आप खाली प्रेजेंट होके उसको देख नहीं पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम होगा। इट वॉन्ट्स टू टेक यू ओवर एंड इट यूजअली सक्सीड्स, वो आपको ओवर पावर करना चाहता है इमोशन, और यूजअली वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। अनलेस देयर इज़ एनफ प्रेजेंस इन यू, जब तक कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं है तब तक इमोशंस जो है आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इफ़ यू आर पुल्ड इन टू अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द इमोशन थ्रू लैक ऑफ प्रेजेंस विच इज़ नॉर्मल, द इमोशन टेम्परली बिकम्स यू। अगर ऐसा होता है कि आपकी जो अगर ऐसा होता है कि जो आपका इमोशन है स्ट्रांग इमोशन, वो आपको अपनी तरफ पूरी तरह खींच लेता है, जैसे वो आपको ओवरटेक कर लेता है क्योंकि आपके अंदर अभी एनफ प्रेजेंस नहीं है। इफ़ यू आर पुल्ड इन टू अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द इमोशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंस विच इज़ नॉर्मल, जो कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, स्वाभाविक है, तो क्या होता है फाइनली वो जो इमोशन है वो आप बन जाते हैं, वो आप ही उस इमोशन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ऑफन अ विशियस सर्कल बिल्ड्स अप बिटवीन योर थिंकिंग एंड द इमोशन, दे फीड ईच अदर। फिर क्या होता है, एक साइकिल बन जाता है, वो इमोशंस को एनर्जी थॉट्स देने लगते हैं, सेम टाइप के थॉट्स रिपीट होने लगते हैं, और उन थॉट्स की वजह से वो इमोशन जो है और एनर्जी गैदर करने लगता है और एक ही साइकिल बन जाती है। द थॉट पैटर्न्स क्रिएट ए मैग्नीफाइड रिफ्लेक्शन ऑफ इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एन इमोशन, एंड द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द इमोशन कीप फीडिंग द ओरिजिनल थॉट पैटर्न। जो थॉट पैटर्न्स है वो बड़े हो जाते हैं, वो इमोशंस में दिखने लगते हैं, और वो जो इमोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेट करने की वो और स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज उसको उन थॉट्स से एनर्जी मिलती है, दोनों एक दूसरे को फीड करने लगते हैं। बाय ड्वेलिंग मेंटली ऑन द सिचुएशन इवेंट और पर्सन दैट इज़ द परसीव्ड कॉज ऑफ द इमोशन, द थॉट्स फीड एनर्जी टू द इमोशन विच इन टर्न एनर्जाइजेज द थॉट पैटर्न एंड सो ऑन। क्या होता है कि जिस भी सिचुएशन की वजह से या कोई कारण हुआ है, कोई इवेंट हुआ है या कोई आदमी है जो उस इमोशन का कारण बना है, क्या होता है थॉट्स बार बार उसी के अराउंड रिपीट करते हैं, उस रिपीटिशन से थॉट्स जो है इमोशन को फीड करता है, इमोशंस जो हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, और वो जो थॉट्स हैं और ज़्यादा लार्ज होके आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को फीड करने का काम शुरू कर देते हैं। बेसिकली ऑल इमोशंस आर मॉडिफिकेशंस ऑफ वन प्राइमोडियल अनडिफ्रेंशिएटेड इमोशन दैट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ हु यू आर एंड बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म।
इकार्ट का कहना है कि सारे इमोशंस जो हैं एक सिंगल बेसिक प्राइमरी इमोशंस या उससे निकले हुए हैं, और वो क्या है, जब आपकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, आपको नहीं पता है कि आप ओरिजिनली क्या थे, तो उसके बाद वो जो लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है ऑफ़ योर सेल्फ, आपका फॉर्म, आपका नेम, जो भी है, उसकी पूरी अवेयरनेस जो है ख़त्म हो जाती है आपको, तो एक सिंगल लार्ज इमोशन जो एग्जिस्ट करता है, सारे इमोशंस उसी से ड्राइव होते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स अनडिफ्रेंशिएटेड नेचर, इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ नेम दैट प्रिसाइसली डिस्क्राइब्स इट इमोशन. चूँकि ये इमोशन बहुत स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए इसको कोई नाम देना बहुत ही मुश्किल काम है. फियर कम्स क्लोज, डर सबसे ज़्यादा करीब आता है, बट अपार्ट फ्रॉम ए कंटिन्यूस सेंस ऑफ थ्रेट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डीप सेंस ऑफ अबैंडनमेंट एंड इनकम्प्लीटनेस. आप डर को इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से इमोशंस हैं जो इस बेसिक इमोशन के साथ जुड़ते हैं? एक डीप सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, जैसे किसी ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आप कुछ अधूरा अधूरा फील कर रहे हैं. ये सारे इमोशंस उस बेसिक प्राइमोर्डियल इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं किसी ना किसी तरीके से. इट मे बी बेस्ट टू यूज़ अ टर्म दैट इज़ एज अनडिफ्रेंशिएटेड एज दैट बेसिक इमोशन एंड सिंपली कॉल इट पेन. ये भी है कि हम एक सिंपल बेसिक इमोशन जो सब कोई जानते हैं और थोड़ा उसे रिलेट कर सकते हैं, इसको उस तरह से भी समझ सकते हैं, और ये प्राइमोर्डियल बेसिक इमोशन सबसे करीब जो है उसको हम नाम दे सकते हैं पेन का, दर्द का. वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द माइंड इज़ टू फाइट और रिमूव दैट इमोशनल पेन विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर इट्स इनसेसेंट एक्टिविटी. तो मेन दिमाग का काम क्या है, इस इमोशन को हटाना, इससे फाइट करना. ये जो पेन का इमोशन है या सेंस ऑफ अबैंडनमेंट या इनकम्प्लीटनेस या फियर, जो भी बेसिक प्राइमोर्डियल इमोशन है, आपके थॉट्स का मेन काम क्या है, इस इमोशन को रिमूव कर देना. और यही दिमाग जो है, ये जो कॉन्टिन्यूसली काम करता है, ये इसीलिए काम करता है कि किसी तरह से ये इस इमोशन को हटा दे या इसको ओवरकम कर ले. वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द माइंड इज़ टू फाइट और रिमूव दैट इमोशनल पेन विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर इट्स इंसिस्टेंट एक्टिविटी. लेकिन क्या दिमाग ऐसा कर पाता है? बट ऑल इट कैन एवर अचीव इज़ टू कवर इट अप टेम्परेली. लेकिन आपका दिमाग इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाता, खाली क्या होता है, टेम्परेली इसको कुछ देर के लिए कवर कर देता है. इन फैक्ट द हार्डर द माइंड स्ट्रगल्स टू गेट रिड ऑफ द पेन द ग्रेटर द पेन. जितना ज़्यादा आपका दिमाग इस पेन से बचने की कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा ये पेन जो है बढ़ता जाता है. द माइंड कैन नेवर फाइंड द सोल्यूशन नॉर कैन इट अफोर्ड टू अलाउ यू टू फाइंड द सोल्यूशन. माइंड कभी भी इस पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, ना ही आपको मदद कर सकता है इसका सोल्यूशन फाइंड करने में. क्यों? बिकॉज इट इज़ इट्स सेल्फ एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. क्योंकि माइंड खुद उस बड़ी सी प्रॉब्लम का एक हिस्सा है, इसीलिए आप माइंड के थ्रू इस प्रॉब्लम को या जो ये अनडिफ्रेंशिएटेड प्राइमोडियल पेन है, इसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते अपने माइंड की हेल्प से, बिकॉज माइंड उसी का एक पार्ट है. इमेजिन अ चीफ ऑफ पुलिस ट्राइंग टू फाइंड एन आर्सोनिस्ट व्हेन द आर्सोनिस्ट इज़ द चीफ ऑफ पुलिस. एक पुलिस इंस्पेक्टर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये उसी तरह से है, और जबकि वो चोर वो खुद पुलिस ही इंस्पेक्टर ही है. यू विल नॉट बी फ्री ऑफ दैट पेन अंटिल यू सीज टू डिराइव योर सेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड विच इज़ टू सेव फ्रॉम ईगो. तो आप इस पेन से तब तक नहीं फ्री हो सकते जब तक आप अपना सेल्फ या अपने आप को उस माइंड के साथ आइडेंटिफाई करके रखे हैं. जब तक आपको ये लगता है कि आप वही माइंड हैं, तब तक आप इस पेन से कभी भी फ्री नहीं हो सकते, जब तक कि आपको वो माइंड या फिर वो ईगो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. द माइंड इज़ देन टॉपल्ड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ पावर एंड बीइंग रिवील्स इट्स सेल्फ एज योर ट्रू नेचर. जब तक आपका आइडेंटिफिकेशन आपकी माइंड के साथ ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप इस माइंड को उसकी जगह से नहीं हिला पाएंगे, और जब तक ये माइंड नहीं हिलेगा, तब तक आप अपने ट्रू नेचर या ट्रू बीइंग को नहीं जान पाएंगे. यस आई नो व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क. इकार्ट कहते हैं, मुझे पता है आप नेक्स्ट सवाल क्या पूछना चाहते हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.